Hello, Menka ji. How are you? Hi, Angad. How are you? I'm good. Meet my wife, Saiba. Hi. Hello, ma'am. मैं ना आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ. मैं खुद भी एक आर्टिस्ट हूँ. Really? मैं अभी आई. एक मिनट. ये नहीं, ये ठीक रहेगी. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी अंगद, पर एक्चुअली मुझे 10 मिनट में निकलना होगा. व्हाट आर यू सेइंग? अभी अभी तो आप आई हैं, अभी जाने की बात कर रही हैं. आई नो, बट मेरी पेंटिंग्स का एक्चुअली एक एग्जीबिशन रखा है. देयर इज अ सेल एंड उसके सब प्रोसीड्स गरीबों के लिए एक एनजीओ को जाएंगे. दैट्स सो नाइस. मेनका मैम, ये देखिए ना, ये पेंटिंग मैंने बनाई है. कैसी? ठीक है. कुछ बताइए ना मैम, अच्छी है, बुरी है, कोई कमी हो तो कुछ तो. कहा ना, ठीक है. साहिबा इतने शौक से लेकर आई हैं, कुछ तो फीडबैक दो. यस मैम, कुछ तो बताइए. ये पेंटिंग ना मैंने आप ही के वर्क से इंस्पायर होकर बनाई. यू नो व्हाट, मैं दुनिया में कहीं भी जाती हूँ, मुझे लोग मिलते हैं, कहते हैं कि आपकी वजह से हम आर्टिस्ट बने हैं और आपकी वजह से हमने ये बनाया है, वो बनाया है, और मैं पोलाइटली स्माइल कर देती हूँ. लेकिन तुम मेरे फीडबैक के लिए कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड लग रही, तो शायद मुझे तुम्हें एक ऑनेस्ट फीडबैक दे ही देना चाहिए. हर ब्रश करने वाला आर्टिस्ट नहीं होता. टाइम पास करने के लिए तुमने कुछ पेंटिंग्स क्या बना ली? तुम अपने आप को आर्टिस्ट समझने लगी हो? ये सिर्फ तुम्हारी खुशफहमी है और कुछ नहीं. बाकी तो मुझे और कुछ नजर नहीं आता. ब्रश पकड़ के 2-3 पेंटिंग बनाने से कोई आर्टिस्ट नहीं बन जाता. इसके लिए कड़ी तपस्या करनी पड़ती है, अपनी पूरी जिंदगी इसको डेडिकेट करनी पड़ती है. और जहां तक मेरा ख्याल है, तुम एक कलाकार कहलाने से कोसों दूर हो. जब इंसान अपनी साधना में भूख प्यास भूल जाए, ना उसे अपना होश रहे ना जमाने का, तब जाके कहीं वो कलाकार कहलाने के लायक होता है. ख्यालों की दुनिया से निकलो साहिबा, और हकीकत का सामना करो. जहां तक मेरा ख्याल है, फिलहाल तो तुम्हें कुछ नहीं आता. और अगर तुम अभी भी ये सोचती हो कि इन 2-4 कागज के टुकड़ों को रंग के तुमने बहुत बड़ा काम किया है और इनसे तुम अपनी पहचान बना लोगी, तुम गलत सोच रही हो. ऐसे सपने देखना छोड़ दो साहिबा.